गुड इवनिंग। बीसी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड, आज का टॉपिक है ब्लड। तो सबसे पहले बात ब्लड की बात करें तो ये ब्लड रेड कलर का होता है, क्या होता है ब्लड रेड कलर का होता है। अगला पॉइंट इसकी पीएच 7.3 से 7.5 होती है। अगला पॉइंट इसकी विस्कोसिटी, विस्कोसिटी 2.5 होती है। अगला पॉइंट ये स्लाइडली एल्केलाइन होता है, ऐसा होता है एल्केलाइन होता है, एल्केलाइन होता है। अगला इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03 से 1.05 होती है। 100 सीसी ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ब्लड का ओरिजन, ओरिजन ऑफ ब्लड एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है, मेसोडर्म से होता है। अगला पॉइंट फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन बोन मारो से होता है, बोन मारो से होता है। और ये पार्ट ये बना होता है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना, ठीक है। तो टू पार्ट्स में स्टडी करते हैं, यानी कि ब्लड टू पार्ट्स का बना होता है। नंबर वन होता है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। और नंबर टू होता है ब्लड कॉर्पसल, ब्लड कॉर्पसल, ये इसका दूसरा नाम है हेलमेटोक्रेट, हेलमेटोक्रेट। अब पहली बात करें ब्लड प्लाज्मा की, तो ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ऐसा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। दूसरा इसकी पीएच 7.4 होती है। तीसरी पॉइंट ये टोटल ब्लड का 55 से 60% होता है, इन टोटल ब्लड, टोटल ब्लड, टोटल ब्लड में इससे 55 से 60% होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 91 से लेकर 92% वाटर होता है। अगला पॉइंट इसमें 8 से 9% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस फिर जाएगा। ये लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का होता है। इससे क्लियर होता है इसमें क्या दो तरीके कंपोनेंट पाए जाते हैं, नंबर वन और नंबर टू। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा नंबर वन क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसमें दो तरीके कंपोनेंट होंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक। अब बात करेंगे हम पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की। सबसे पहली बात करें हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, कंपोनेंट। अब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या है, ये 1% होता है, कितना होता है, यानी 8 से 9% था तो ये 1% होगा। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट 7 से 8% होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, NaCl, Na2, CO3, पोटेशियम, कैल्शियम, Fe, मैग्नीशियम, PO4, O2,
CO2 N2 Cl आयोडीन, इसलिए ये कैसा होता है, सिलाइड भी एल्कलाइन होता है, सिलाइड भी एल्कलाइन। फिर इनॉर्मली पार्ट्स कितना है, 1% होता है, इसमें होता है NaCl, Na2CO3, पोटेशियम, कैल्शियम, Fe, मैग्नीशियम, CpO4, O2, CO2, N2, Cl, आयोडीन एक्सेट्रा। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर ब्लड प्रोटीन नंबर दो, कई तरीके की होती है एल्बुमिन वगैरह, नंबर टू फैटी एसिड, फैटी एसिड, नंबर तीन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, नंबर चार ग्लूकोज, नंबर पाँच विटामिन्स, नंबर छः हार्मोन्स, नंबर सात एंजाइम, और नंबर आठ एक्सक्रीटरी सबस्टेंस, नंबर नौ एंटीजन एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन टॉक्सिन एक्सेट्रा। तो कुल मिला के क्या बात करी हमने, जो इनार ब्लड प्लाज्मा था, ब्लड प्लाज्मा इनके ब्लड दो भागों में बांटा था हमने, एक ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसिल्स, फिर ब्लड प्लाज्मा को दो भागों में बांटा, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट। हमने बताया कि ब्लड के ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है एक पर टोटल ब्लड में 1% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, इस 1% में क्या क्या होता है, NaCl, Na2CO3, पोटेशियम सोड, कैल्शियम, Fe, मैग्नीशियम, PO4, O2, CO2, N2Cl, आयोडीन और स्लाइटली एल्कलाइन होता है। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वो 7-8% होते हैं टोटल ब्लड का, इसमें ब्लड प्रोटीन कई प्रकार की ब्लड प्रोटीन होती है, नंबर दो फैटी एसिड, नंबर दो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस, एंटीजन, एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं। कल हम बात करेंगे ब्लड कॉर्पसेल्स की। थैंक यू।